मेरे सभी आदिवासी साथियों को मेरा जोहार और हमारे इस चैनल मुंडी 75 व्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे पहले के व्लॉग्स की तरह आज का व्लॉग भी बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं चक्रधरपुर SDO ऑफिस। क्या है कि हम लोग को एक अनुमंडल स्तरीय, इसको बोल सकते हैं मतलब SDO लेवल का एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि ऑफलाइन फॉर्मेट में हम लोग को चाहिए SSC के एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि CGL का एग्ज़ाम है। तो अगर आपको भी ऐसा सर्टिफिकेट बनवाना हो तो उसके लिए कैसे करना होगा, किसके पास जाना होगा, इस सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देने वाले हैं आपको। तो चलिए, और साथ के साथ हम दिखाने वाले हैं हम लोग का चक्रधरपुर का SDO ऑफिस, क्योंकि हमारा वीलॉग है तो अभी से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो रे फूफू कुछ सामान भी निकाल के दे रही, तो आते जाते हम लोग कुछ ना कुछ लेके भी आना होगा, घर की जिम्मेदारियाँ भी ज़रूरी हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग निकलते हैं जल्द से जल्द SDO ऑफिस। आपको रास्ते में कुछ व्यूज़ दिखाते जाएंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन व्यूज़ घाटी दिखाएंगे, और साथ के साथ हम लोग पहुँचेंगे SDO ऑफिस। वहाँ कैसा व्यवहार हुआ, कौन है, वैसे तो हम लोग जो यहाँ हम लोग के वीडियो सर हैं उनकी गाइडेंस में और उनके मार्गदर्शन से हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो हमको पता है कि तुरंत काम हो जाएगा, मगर वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है उस चीज़ को हम लाइव आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे आप लोग से। ठीक है दोस्तों, समय ना गवाते हुए चलते हैं हम लोग अपने इस बेहतरीन सफ़र की ओर। चलिए दोस्तों, वहाँ हम लोग की बाइक खड़ी है, तो निकलते हैं बाइक की ओर। दीजिए बुबू थैला, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं चाचा की दुकान में, CSC सेंटर बनगांव में, और ये देखिए हम लोग ने एप्लीकेशन लिखा है उसी फॉर्मेट में जो हम लोग को इशू करवाना है सर्टिफिकेट उसके लिए। तो फिलहाल सब कोई काम हो गया है हम लोग का, जो भी अटैचमेंट था हम लोग ने यहाँ उसको उसका फ़ोटो कॉपीज और प्रिंट आउट निकाल लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग निकलेंगे और आपको मिलाते हैं हम लोग के चाचा से, जो कि CSC चलाते हैं। अच्छा, इधर देखिए, हाय बोलिए सबसे। हाय। तो ये हैं हमारे प्रदीप चाचा, जो कि बनगांव का CSC सेंटर चलाते हैं, जहाँ से हम लोग ने लगभग कुछ सब कोई काम करवाया। तो आप लोग कभी भी कोई दिक्कत हो, इससे जानकारी लेनी हो, तो आप लोग यहाँ आके बात कर सकते हैं, और हम तो यहाँ इनसे कनेक्टेड ही रहते हैं, तो कोई भी दिक्कत होगा तो हम भी तुरंत आ जाएंगे, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ हेल्प करने के लिए बैठे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग आप लोग को जो व्लॉग में लेके जाने वाले हैं, जो हमने बताया SDO ऑफिस जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें बस हम लोग, समय हो गया लगभग 12 बज गया ना, तब हम लोग बढ़ते हैं। ये है एप्लीकेशन, जिसका हम लोग एक PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और साथ के साथ आपको वीडियो में भी दिखा देंगे कि हम लोग ने एप्लीकेशन में क्या लिखा आप लोग की आसानी के लिए, और इसको कैसे किया जाता है ये भी हम आने वाली वीडियो में डिटेल में देंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने सफ़र की तरफ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस नज़ारे को देखने के लिए आँखें तरस जाती हैं दोस्तों, और हम लोग ऐसी घाटी में रहते हैं जहाँ इतनी खूबसूरत है। तो चलिए, अभी लंबा सफ़र है तो आगे बढ़ते हैं जल्दी, आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। ये कोपा गांव का बस स्टॉप है दोस्तों, मेरा मामू गांव भी पड़ता है इधर बगल में, कुंद्रगुट्टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है सरकारी नर्सरी, लीजिए। अब हम लोग पहुंच गए हैं चक्की बाज़ार, जो कि जंगल अंदर का बहुत ही उम्दा बाज़ार माना जाता है। बहुत ही कमाल का बाज़ार है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी आदिवासी जंगल अंदर की वन उपज को बहुत लाते हैं, और यहाँ काफ़ी कुछ सस्ता भी मिलता है, तो आपको यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। और रांची चाईबासा रोड का ये बहुत ही बड़ा बाज़ार माना जाता है जंगल अंदर का, तो प्लीज़ आप लोग आएँ और इस बाज़ार को ज़रूर एक बार चेक इट आउट करें, बहुत ख़ास चीज़ है यहाँ पर। बहुत जल्द हो सकेगा तो हम लोग चक्की बाज़ार का भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, जो कि हम लोग
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। शहर की भीड़ भाड़ से अलग होकर इधर बाइकिंग करने का एक अलग ही मज़ा है, और बाइकर लोग के लिए तो हम कहें तो जन्नत। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो शहर की भीड़ भाड़ से थक चुके हैं उनको इधर ज़रूर आना चाहिए, एक बार घूमना चाहिए। देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। अगर हम लोग इसकी पूरी वीडियोज़ आपको बना दें पूरी घाटी की, तो शायद हम लोग का पूरा दिन कम पड़ जाएगा, इतने खूबसूरत नज़ारा है। फिलहाल के लिए हम लोग पास इतना समय नहीं है, हम लोग SD ऑफिस का ये जो व्लॉग बनाना है। तो ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी और जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आज भी ऐसे इस घाटी में आदिवासी लोग हैं दोस्तों, जो लकड़ी बेचकर अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। देखिए, नज़दीक से दिखाते हैं आपको। और लगभग दोस्तों घाटी ख़त्म हो गई है, और अब बारी है उस जगह की जहाँ से पूरी वैली दिखती है, और इतनी खूबसूरत वैली है जो देखते ही बनता है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। काश ऐसी जगह पर हम लोग अपना फार्म हाउस बना सकें, ताकि यहाँ से हम लोग उठते हुए सनराइज़ भी देखें और इतना खूबसूरत नज़ारा हमको रोज़ सुबह देखने को मिले। क्या जगह है दोस्तों, और जब तक ये प्राकृतिक रहेगी तब तक खूबसूरत रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए हम लोग को चलना चाहिए, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत जल्द हम ये जो लकड़ी बेचने वाले आदिवासी हैं इनके ऊपर भी एक वीडियोस बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर, क्योंकि हमें जल्द से जल्द SD ऑफिस पहुंचना है, और अभी आने वाली है वो घाटी। ये है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ जिसे बोला जाता है, यहाँ हमेशा ट्रक कहीं ना कहीं तोड़ता ही है जगह को। तो चलिए, अब ये सब बातें तो बहुत ही, और बढ़ते हैं जल्दी ऑफिस। तो लीजिए दोस्तों, ये हम आ गए हैं SDO ऑफिस, जो कि चक्रधरपुर में है। ये SDO कोर्ट भी है, देखिए ये खूबसूरत, कितना खूबसूरत है। बस बिल्डिंग को और अभी रिपेयर करने का ज़रूरत है, तो पुरानी बिल्डिंग है इसीलिए थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, पेंट उंट कर दिया गया, तो बहुत ही उम्दा बिल्डिंग है। तो ये आ गए दोस्तों हम लोग SDO ऑफिस के अंदर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो है हमारे प्रभारी BDO सर का ऑफिस। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, गिरजानंद किसको प्रभारी कार्यपालक दंडाधिकारी, और ये देख सकते हैं उनका ऊपर सब मजिस्ट्रेट का ऑफिस, और ये देख सकते हैं बहुत कुछ लिखा है उनके ऑफिस के बाहर, जहाँ की जन्म दिवस के बारे में लिखा है, जो 11 बजे से 1 बजे तक है शुक्रवार के दिन। इस दिन आप डायरेक्ट आके मिल सकते हैं SDO सर से, और यहाँ नक्शा है, और एक जन शिकायत कोषांग के बारे में दिया है। तो दोस्तों अब समय हो गया है लंच का, और हम लोग सीके भी आएँ और लिट्टी चोखा ना खाएं, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं हमारे चौक में, सीके चौक, जहाँ की लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। तो चलिए, ज़्यादा मिर्च मत डालिए, ज़्यादा मिर्च नहीं, हाँ खट्टा डाल दीजिए, चलेगा हल्का सा डाल दिया, डाल दिया। लो आ जाए, टेस्ट करो इसके साथ, चटनी उठने के साथ तब तो।
घूम रहे हैं चक्रधरपुर में, देख सकते हैं कितनी भीड़। तो एक बेहतरीन लंच करने के बाद दोस्तों चलिए लौटते हैं एसडीओ ऑफिस की तरफ, शायद एसडीओ सर भी आ गए होंगे। ये हमारे सीकेपी सब्सक्राइबर्स को देखिए, बहुत खुश है हमें देखकर कि हम लोग वहाँ की व्लॉगिंग कर रहे हैं। ये है चक्रधरपुर का नगर परिषद, नगर पालिका का जो भी काम होता है वो यहीं पर हो रहा है, ये हेड ऑफिस है। और एक थोड़ी ही आगे जाकर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यह अनुमंडलीय अस्पताल चक्रधरपुर। ये आ गया तुम्हारा अंचल कार्यालय। की है अंचल कार्यालय, और ये हमारे कुछ और व्यूअर्स मिल गए जो खुद व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ये लोग भी बहुत खुश हैं कि हम लोग सीकेपी में आके व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो लीजिए आके फिर से हम लोग आ गए हैं एसडीओ ऑफिस, तो चलिए अब अपना काम कराते हैं, एसडीओ सर से मिलते हैं। अब हो गया लगभग शाम के 6 बज रहे हैं, अब जाके हम लोग का काम हुआ और हम लोग निकल रहे हैं अनुमंडल कार्यालय से, एसडीओ ऑफिस से बनगांव की ओर। तो चलिए चलते हैं, बाकी बातें होंगी घर पहुंचकर, आपको बताएंगे आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए चले आ जाए। हाँ चलिए चलिए, अब रात का सफ़र आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों असंतलिया का डेली मार्केट, डेली बाज़ार, जो कि रोड किनारे पर लगता है। देख सकते हैं कितनी चहल पहल है और रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो लोग हैं, डेली की जो वेजीज़ है वो लोग यहीं से ख़रीदना पसंद करते हैं, यहाँ सस्ता और लोकल लोग लाते हैं अपने घर की उगाई हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आ गए हैं पढ़ाई चला के पेट्रोल पम्प, जो कि घाटी से पहले है, और यहाँ भाई लोग से तेल भरवा लिया जाए, उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे के लिए। यहाँ पे कहाँ पर तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा घाटी से पार बनगांव के लिए। अब कोई स्टॉप नहीं, अगर अच्छा व्यू लगा तो अंधेरे में रुका जाएगा, फिर सीधा बनगांव। अभी हम लोग हैं कढ़ाई केला, कढ़ाई केला पहुंच गए हम लोग, उसके बाद कोई शहर नहीं आएगा ना भाई, उसका नक्सी आएगा थोड़ा, वहाँ भी कहाँ चहल पहल रहता है, तो लास्ट है बस, यही थोड़ा सा लाइट और चहल पहल नज़र आ रहा है, उसके बाद कुछ नहीं नज़र आ रहा है। कितना शांत हो रहा है, सब कुछ सुनसान हो चुका है, यहाँ तक कि वो दो बड़े होटल भी हैं वो लोग भी बंद कर दिए, या को कुछ नहीं दिखेगा, एकदम सन्नाटा। ठीक है तो हम लोग अभी यहाँ अजय को छोड़ के निकलेंगे घर को। अब यहाँ से कितना है मेरा घर, 500 मीटर ना, 500 से 700 मीटर। तो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा सफ़र एसडीओ ऑफिस के लिए, तो उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, मगर वीडियो बहुत लंबी हो जाने के कारण जो इसका प्रोसेस है, जो पेपर वर्क लगता है, उसकी डिटेल वीडियो हम लोग इसमें नहीं डाल पा रहे हैं,
तो कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि आपको कैसे एप्लीकेशन लिखना है और क्या प्रोसेस है अगर आपको ऐसे ऑफलाइन चाहिए, जिससे कि आपको आसानी से आपका जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाए, चाहे 2 या 3 दिन के अंदर ही आप लोग को अवेलेबल हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट बनाए रखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए जो अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाते हैं वो आप उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों।